छत्तर से बाबू आए थे मेरे घर, ये देखिए छत्तर से बाबू आए। अरे मेरा है नाम बता थे। देखो कि बड़ी उनका देखो कि वीडियो मेरी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो मैं तो। यहाँ पे बच्चे सारे आ गए हैं आधे ही टाइम में, क्योंकि आज किसी का डेथ हो गया था उनके सर जी के यहाँ पे, तो आज मतलब छुट्टी हुआ है। तो कोई आया है शायद, मैं आप लोग को आया है छत्तर से बाबू आए है मेरे घर, ये देखिए छत्तर से बाबू आए। अरे हंस रहे हो ना मेरा है कौन है नाम बता दे। तुम देखोगी बड़ी होंगी तब देखोगी वीडियो मेरी, तब तुम देखना कि कौन है रोग। मैं कभी ले लूंगे तो थोड़े से खिला लेंदे बाबू को, थोड़े से खिला लेंदे। अरे बोलो उसके सहित लो ना। छोटी सी अब लग रही है, छोटी सी टकली सी अब लागे तो नन्हीक बाबू है। चेहरा आगे कर दे ऐसे लो ऐसे बना के छनी। आय 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 वाह इतना बेचारे। हां कैसे मुंडी उठा के सोई। कितना अच्छी लग रही है देखो सोते हुए। चप्पल के पास क्यों सोए हो, चप्पल के पास क्यों सोए हो। ओह नो देखो ना ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी आ गई कुल फैला है। आओ नेता देखो धीरे से लग रहे हैं दोनों बाबे जी अच्छी गर्मी आ गई का गर्मी आ गई का क्यों। ओके पापा देख के खिए कैसे बन करे हक हक के गंध हुआ ही नानी। ओके देखा आंख बंद करके कर लो, बहुत नींद आ रहा है यहाँ। ना करो उठ भाग जाएगी नहीं उठी। वो देख रहे हो वहाँ पे खाने में लगाए देखो
वो रहा खाओ खाओ कर दे का बारह तीन बज के दस मम्मी बोल चल तो यहाँ पे खाना वाना हमने खा लिया है तो आगे हम लोग छत पे और यहाँ पे खरगोश लोग ऐसा लग रहा है अभी से गर्मी आ गई है और हम धूप में बैठे थे एकदम लाल लाल हो गए हैं धूप में बैठ के तो हम आ गए यहाँ पे छाँव में बहुत तेज़ धूप लग रही है अब नीचे जा रहे हैं ठंड लग रही है ऊपर आ रहे हैं धूप लग रहा है तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं सारे और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं तो कुछ टाइम इसी तरीके से बैठेंगे सभी अपने छत पे आ गए हैं क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है तो सभी अपने छत पे आ गए हैं और धूप इतनी तेज लग रही है कि एकदम चलेंगे हम लोग नीचे और खरगोश लोग सब लेटे हुए हैं बैठे हुए हैं कोई तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वो लोग लेटे हुए हैं इतने क्यूट लग रहे हैं वो लोग लेटे हुए हैं जब और एक खाने में लगा है एक ही बच्चा खाने में लगा है और सब लेटे हुए हैं ऐसा लग रहा है अभी से गर्मी आ गई हो तो आइए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आज यहाँ पे एक भी बाइक नहीं बिका हुआ है सारा इसी तरीके से रखा हुआ है कल तो एक दो मतलब बिका भी था आज एक भी नहीं बिका है। यहाँ पे दीदी जी काम कर रही हैं तो यहाँ पे सारा कपड़ा मैंने उतार लिया है तो अब चल रहे हैं नीचे और मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ तो छत पे जो भी रहता है वो देखते रहता है मुझे क्योंकि सबको ही पता है मैं वीडियो बनाती हूँ तो सब मुझे इसी तरीके से देखते हैं छत पे। और धूप यहाँ पे जा चुका है देख सकते हैं कपड़े सारे चलते हैं नीचे कपड़े ले लेते हैं यहाँ पे बच्चे लोग हैं अभी जो देख रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चोर दोनों पकड़ो उसको दोनों लोग को पकड़ो ल भगा दी चलो तो यहाँ पे सब भाग गए थे उस तरफ तो पकड़ पकड़ के हम ले आए हैं और इन लोग का डिब्बा मैंने साफ कर दिया है इन लोग का डिब्बा मैंने साफ करके और फिर मैं इसी में रख दूंगी इसकी मम्मी हो रही सनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चटाई गिरा के इसी पे बैठी हुई है यहाँ पे मैं हरा मटर छील ली हूँ तो इसी में मैं आधा इतनी टाइम बनाऊंगी आधा सुबह में बनाऊंगी तो सुबह में बच्चे लोग के और दोपहर का चावल है चावल हो जाएगा रोटी को मैंने बना दिया था यहाँ पे मैंने
भी लगा दिया है, यहाँ गोलू को भी लगा दिया है तेल, और इसने कहा मेरा अम्बोड़ा कर दो, तो मैंने अम्बोड़ा कर दिया। इसका दिखाओ गोलू थोड़ा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना धूल उड़ के आया है, देखिए ये है धूल, ये रहा। तो अभी चल रहे हैं, थोड़ा इसे हम क्लीन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं धूल बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। अरे thank you.
सफाई में लग गई थी और बच्चे लोग के सर में तेल लगाने लगी थी और मैं सब्जी छौंक के आ गई थी। मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी कि मैं सब्जी रख के आई हूँ। एक बार मैंने कहा सोनम को कि सोनम चला के उसे स्लो कर देना और उसने ध्यान दिया नहीं। वो दुकान पे चली गई दुकान बढ़ाने के लिए और मैं भी यहाँ साफ़ सफाई में लग गई। मतलब हम लोग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि सब्जी मैंने रखा है। और अब से मैं क्या बोलूँ कि इतना बड़ा हादसा होते होते मतलब रह गया। अगर हम नहीं देखी होती, मैं टाइम से नहीं गई होती किचन में, तो आज मतलब एकदम पता नहीं क्या हो जाता। मेरी एक भूल की वजह से मतलब पूरी कढ़ाई एकदम जल गई। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एकदम। मैंने सोचा सुबह के लिए मैंने सलोनी बनाने के लिए मतलब आलू दम बनाने के लिए रखा था, तो इतनी टाइम फिर से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर किचन पूरा क्लीन कर दिया है, रिटर्न सब्ज़ी बनाना पड़ा एक गलती की वजह।